योर चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। तो ये हमारा डेली ये हमारा डेली ये क्या हो रहा है डेली इंग्लिश बूस्टर सीरीज चल रहा है जिसमें हम वोकैब कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप केवीएस पीआरटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर केवीएस पीआरटी, तो आपको यहां से 4 से 5 नंबर मिलेंगे। अगर आप डी ट्रिपल एस बी पी आर टी की तैयारी कर रहे हो तो आपको यहां पे ऑलमोस्ट डबल 7 से 8 नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। बाकी आपको देखना है कि आपको क्या अच्छा लगता है, ठीक है। चलो सबसे पहला कल लास्ट क्लास में मैंने आपसे एक वर्ड पूछा था जिसका था, एक था इमिग्रेंट एक था एमिग्रेंट। एक ही जने ने बताया, शायद या तो वही वीडियो देख रहे हैं या फिर बाकी सीरियसली नहीं ले रहे हैं। एमिग्रेंट मतलब होता है दूसरे देश में जाने वाला, एमिग्रेंट मतलब दूसरे देश में आके रहने वाला। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, कंफ्यूजन बहुत है। अगला होता है वीसीएस। वीसीएस वी आई सी आई ओ यू एस वीसीएस। वीसीएस का मतलब होता है बुरा या फिर दुष्ट, ठीक है ना, जो बैड हो, ठीक है ना। तो वीसीएस मतलब बुरा। आपको बुरे के मुझे 3 सिनोनिम्स बताने हैं। एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, बहुत फायदा होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इज वी आई वाई या वी कैन, इसे कहते हैं टू कंपीट विद अदर पीपल्स, विद अदर पीपल टू ऑब्टेन समथिंग। अगर देखा जाए तो आपका जो पेपर है वो भी वी कह सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि आप आपस में कंपीट कर रहे हो ताकि कोई एक जना जॉब ले जाए। एक जना मतलब जितनी भी जॉब डिफाइंड होगी, ठीक है ना। अगर अगला आता है वेस्टाइज या वेस्टीज कह लो। वेस्टीज का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं इसे अवशेष। मैंने बहुत सारे स्टडी मटेरियल यूज करे थे अपने टाइम पे, उनमें से कुछ जो सत्य शर्मा सर थे वो थे, कुछ वो अननोन बुक थी, कुछ केडी कैंपस वाली थी, जहां से मुझे मिल सकता था, ठीक है ना। और सब कॉपी में लिख लिए थे और वही आपको बताए जा रहे हैं। आई स्टिल समथिंग स्मॉल पार्ट ऑफ, किसी का छोटा सा हिस्सा बच जाना या फिर छोटा हिस्सा रह जाना। ओके, एक वर्ड है जो डेली लाइफ में बहुत अच्छा होता है, दैट इज कॉल्ड एस यू सी सी ओ यू आर, ठीक है ना। इसका मतलब होता है जब आपको जरूरत हो एग्जैक्टली तभी मदद मिलना। मतलब आज मुझे 10 रुपए की जरूरत है, मुझे कल कोई 10 रुपए दे, ऐसा नहीं कि वो 10 रुपए हम मेरे लिए वैल्यू रखते हैं, लेकिन आज जितना वैल्यू रखते हैं कल उतना नहीं रखते। तो इसे कहते हैं समय पर सहायता, समय पर सहायता, ठीक है। चलो ओके, एक होता है टेंजिबल। एक एक होता है टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है जिसे छुआ जा सके, जिसे छुआ जा सके, ठीक है ना। आप कह सकते हो रियल, क्योंकि असली चीजों को ही तो छुआ जा सकता है। मैंने कहा मैंने एक ड्रीम देखा, उस ड्रीम को कोई टच थोड़ा ना कर सकता है। मैंने कहा मैंने एक कार देखी, तो कार को टच करा जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड इज पायस। पायस का मतलब होता है पवित्र, धार्मिक। पायस का मतलब धार्मिक, ठीक है ना। ओके ना, एक वर्ड आता है, ये वर्ड पहली बार जब मैंने देखा था तो मैं समझ नहीं पाया था, इसे कहते हैं प्लाइट, ठीक है ना।
अब अगर किसी ने ना देखा हो आज से पहले वर्ड तो नहीं बता पाएगा, लेकिन इसका मतलब होता है दुख या फिर परेशानी, जिसे इंग्लिश में अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं अनप्लेजेंट कंडीशन। आगे अगला आता है पॉम्प। पॉम्प का मतलब होता है धूमधाम। पॉम्प मीन्स धूम धाम। ओके एक होता है ये वाला वर्ड भी आपको बहुत, प्रोलिफरेशन। आ रही है ठीक है, इसका मतलब होता है इंक्रीजिंग ग्रेटली एंड सडनली इन नंबर, यानी कि संख्या में एकदम ज्यादा और बढ़ा देना एकदम संख्या में। एक वर्ड है पर्ज, ठीक है ना। एक मूवी हॉलीवुड की जिसका नाम है पर्ज एनार्की, PURG, पर्ज एनार्की। देखो ऐसा नहीं होता कि हॉलीवुड मूवीज देखने से ज्ञान बढ़ता है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, आपके आसपास जो भी दो शब्द आए या जो भी शब्द आए उन्हें समझोगे तो आपका वो क्या अपने आप तैयार होगा। अनार्की मतलब पता है ना, अराजकता, अराजकता। और एनार्किस्ट अराजक, पर्ज मैंने तो मूवी काफी टाइम पहले देख ली थी, बहुत टाइम पहले, मुझे एग्जैक्टली नंबर याद नहीं है, कई सालों पहले तो, लेकिन जब ये वर्ड मेरे सामने आया था तब मुझे पता चला कि उसका क्या है, क्योंकि उस समय मैं भी आपकी तरह था। लेकिन अब मैं सोचता हूं कि अगर मैं उन शब्दों को, जो भी शब्द आपके सामने आ रहे हैं चाहे कोई भी शब्द हो, आप तभी देखो, पर्च का मतलब होता है छुटकारा पाना। अलग ही कंसेप्ट पे थी मूवी, देखने के लिए नहीं कह रहा, ठीक है ना, कभी पता चला कह रहे हो आप पहले देख ही ले। चलो अगला आता है कॉन्सील। कॉन्सील, कॉन्सील का मतलब होता है टू हाइड, कुछ चीज छुपाना। कॉन्सील मतलब टू हाइड, कुछ चीज छुपाना। नेक्स्ट इज कॉलेट। कॉलेट मीन्स टू पुट इन अ प्रॉपर ऑर्डर, टू पुट इन अ प्रॉपर ऑर्डर, सही तरीके से रखना। ये वाला वर्ड अच्छा, चाइड, CHID, चाइड, इसका मतलब होता है डांटना। ठीक चलो, तो अब आते हैं इडियम एंड फ्रेजेस वाले पे, ठीक है ना। ओके INP, ये सारे वोकैब, सारे इडियम फ्रेजेस पेपर में आए हुए हैं, ठीक है ना। अगला आता है लायंस, सॉरी LIONS, लायंस शेयर। देखो दिमाग लगाओ, मानो जंगल में शिकार हो रहा है तो सबसे बड़ा हिस्सा किसका होगा, राजा का, तो लॉयंस शेयर मतलब होता है लार्ज पार्ट। ठीक है, दूसरा दूसरा हमारे पास होता है मदरविट। सिंपल लगाओ, मदर लैंग्वेज, मदर टंग वो होता है ना जो हर कोई जानता है वहां के इलाके का, तो मदरविट, विटी, विटी मतलब समझते हो ना। ओके मदरविट मतलब होता है कॉमन सेंस, मतलब आम जानकारी। एक मिनट, आम जानकारी। अगला दैट इज कॉल्ड
मैं इसके लिए याद करना कह रहा था कि आवर चाइल्डहुड डेज आर पाल्मी डेज, समझे? हमारे बचपन के दिन जो होते हैं वो सबसे खुशी वाले दिन होते हैं, इसे कहते हैं अच्छे व शांतिपूर्ण, दैट इज अच्छे वह शांतिपूर्ण। देन नेक्स्ट इसे कहते हैं पेंडोरा बॉक्स, पेंडोरा बॉक्स समस्याओं का भंडार। हमने कैसे याद किया था कि इफ यू डोंट वर्क हार्ड टुडे देन लाइफ विल बी अ पेंडोरा बॉक्स इन फ्यूचर। अगर आज मान लो जिस पे भी एज लिमिट है जो एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है या जिस पे कैलिबर है, वो अगर आज मेहनत नहीं कर रहा, एग्जाम क्वालिफाई करने का मतलब गवर्नमेंट जॉब नहीं है, प्राइवेट फॉर्म में भी हो सकता है, मतलब अगर आप आज मेहनत नहीं कर रहे तो कल को आपकी जिंदगी में बहुत समस्याएं होंगी और उन समस्याओं को लड़ने के लिए, जिंदगी तो है ही समस्याओं का भंडार, लेकिन उनको लड़ने के लिए जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए वो आपके पास उस समय नहीं होगी। नेक्स्ट इज लेडीज मैन, लेडीज मैन वो आदमी होता है जिसे औरतों की संगत पसंद हो। अ मैन हर ग्रुप में, हर जगह, हर कॉलेज में, हर क्लास में ऐसा जरूर होता है, अ मैन हु इज फॉन्ड ऑफ दी कंपनी ऑफ वुमेन। ठीक है क्लास? तो ये मेरा इफर्ट है जो मैं आपके लिए कर रहा हूं, और अगर आप इसको सीरियसली लेते हो तो आपको कहीं ना कहीं मदद जरूर करेगा। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि सिर्फ यही वोकैब करनी है, इसके अलावा भी जितनी आपकी क्षमता हो, लेकिन अगर इतनी कर लेते हो तो वो मोर देन सफिशियंट है आपके लिए। ओके,